हेलो रकुल जी, आराम से ऑरेंज रकुल जी, वनडो सेंटर में वापस रकुल जी, रकुल जी यहाँ पे रकुल जी रकुल जी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, काफी अमेजिंग, थैंक यू, क्लास, ग्रेट रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल. व्हाट वुड यू लाइक टू से? वेल, आई वुड जस्ट लाइक टू से थैंक यू सब लोगों को जिन्होंने मूवी देखी, और जिन्होंने नहीं देखी अभी तक, क्या कर रहे हो, देखो. सो बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि फिल्म को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, यू नो, क्रिटिक्स को अच्छी लगी फिल्म, एंड मोर देन एनीथिंग एल्स आई थिंक द काइंड ऑफ मैसेजेस दैट वी आर गेटिंग आम जनता से, यू नो, लड़कियों से, हस्बैंड से, दैट दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट फिल्म. सो लॉट ऑफ पीपल सेइंग दैट वील put it in tuitions, we'll screen it in theaters, I mean in our schools, so I think that is very gratifying for us, so we're very happy. Rakul ji, audience काफी appreciate कर रही है इस movie को, काफी अलग concept है, आपका किस तरह का experience था इस को perform करते हुए? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, कैसा रहेगा, अच्छा ही रहेगा. कॉन्सेप्ट को लेके क्या कहना है आपको? आई थिंक बहुत सेंसिटिव कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक एजुकेशन इज़ द रूट कॉज ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी करेक्टेड इन द सिस्टम, एंड आई फील जो ये फिल्म एक एजुकेशनल एंगल पर बात करती है और रीजनिंग बताती है कि क्यों एजुकेशन इंपॉर्टेंट है. सो आई फील इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट सब्जेक्ट, एंड दैट्स व्हाई आई लाइक्ड इट, एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट लोगों को भी ऐसा लग रहा है. सो या, स्मॉल टाउन तक मैसेजेस जा रहे, स्क्रीनिंग हो रही है वहाँ पे, हैव यू सॉ दो स्क्रीनिंग पिक्चर्स, कुछ ऐसे मैसेज आ रहे? आई सो, आई इनफैक्ट मैंने अपने सोशल मीडिया पे शेयर भी किया था, यू नो, देयर वर सम पीपल, लेडीज हु सेड, विमेन हु सेड, किसी ने कहा था कि मैं अपने स्कूल में स्क्रीन करूँगी, और फोटोज डाले थे, किसी ने अपने ट्यूशन सेंटर्स में स्क्रीन किया, एक किसी ने मुझे बोला थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस फिल्म, मैं अपने हस्बैंड से बात नहीं कह पाई, बट यू नो शी वॉज टेकिंग पिल्स एंड इट वॉज हार्मिंग हर हेल्थ. सो इट्स सो इम्पॉर्टेंट समटाइम्स टू से थिंग्स थ्रू अ फिल्मी मीडियम, जिससे अगर लोगों की हेल्थ बच सके तो हमारे लिए उससे बेटर क्या है. सेक्स एजुकेशन में जो विषय है, क्या लगता है आपको परफेक्ट स्टैंडर्ड कौन सा होगा, जिस स्टैंडर्ड से में हर स्कूल में एक इंट्रोडक्शन होती है, और जिस एज पे आप एडोलेसेंस हिट करते हैं, 13, 14, 12, 13 की उम्र से आप एडोलेसेंस बायोलॉजिकली हिट करते हैं, आई थिंक दैट्स द राइट एज फॉर स्टार्टिंग टू एडुकेट ऑल्सो. इस तरह के रिस्पांस के बाद इस तरह के कॉन्सेप्ट की मूवी आगे भी आप करना चाहोगे या? नहीं, देखेंगे, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट ही करना है, यू नो, अगर कोई फिल्म आएगी जो एज अ स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्ट भी रिलेटेबल है, तो व्हाई नॉट, बट मैं सब कुछ करना चाहती हूँ, मैं लिमिट नहीं करना चाहती एक चीज़. थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर यू. रकुल जी, मैम वन मोर राइट, मैम थोड़ा टर्न हो जाए ना, एक यहाँ पे लेते ना, अच्छा था, बाकी वेट वेट वेट, लुक योर राइट मैम, वन वेट वेट, लुक योर मैम, एक्सक्यूज मी, लाइट कौन बंद किया मैम? यो दीवा, दीवा यो, दीवा टू योर लेफ्ट, वन मोर सेंटर मैम, यो, एक्सक्यूज मी, वाह लाइट, लुक योर, लुक योर, दीवा यहाँ पर, हेलो, यस राइट साइड, या या या, सॉरी, व्हाइट लाइट करो ना,
भैया भैया या या दिस कैमरा तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इनफैक्ट सब लोग हमारी मूवी के रिस्पॉन्स से बहुत खुश हैं, बिकॉज जितनी सब लोगों ने इस मूवी में मेहनत की थी, मतलब यू कैन से मेहनत रंग लाए, इतना ज़्यादा इतनी ह्यूज सक्सेस हो गई। एंड Z5 पे नंबर 1 पे भी चल रही है, एंड 2 days में ही 100 million वॉच टाइम क्रॉस हो गया था। सो दैट्स जस्ट अमेजिंग एंड सो ग्रेटफुल कि इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है और इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं अभी लोग हमारी मूवी को, बिकॉज बहुत मेहनत की है सब लोगों ने इस मूवी में। एंड जस्ट इट्स अमेजिंग टू रिसीव सो मच लव एट द सेम टाइम। एंड मेरा कैरेक्टर वेल थोड़ा इमोशनल कैरेक्टर है, हु इज़ जस्ट रियली अटैच्ड टू हर मदर, एंड यू नो वो अपनी मम्मी को कुछ बुरा होते हुए देख नहीं सकती। या सो मेरा थोड़ा इमोशनल कैरेक्टर है। एंड वेल मैं पूरी फिल्म तो नहीं बताऊंगी, बट क्लाइमैक्स देखना तो आपको बहुत मज़ा आएगा क्लाइमैक्स देख के। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा सक्सेस पाना, तो लोगों का प्यार मिलना और रकुल प्रीत जैसी एक्ट्रेस के साथ काम करना, कितना अप्रिशिएट किए लोगों ने और आपका एक्सपीरियंस क्या था उसके बारे में बताइए। वेल शूटिंग पे तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बिकॉज फर्स्ट डे ही सब लोग इतना फ्रेंडली और इतना सब लोग घुल मिल गए थे। फर्स्ट डे भी सब ने बैठ के बातें की, तो दैट वाज जस्ट अमेजिंग कि सब लोग इतने फ्रेंडली थे। एंड पूरी यू नो बॉन्ड एक क्रिएट हो गई कि नोबडी कैन से कि दिस इज़ नॉट लाइक ओरिजिनल फैमिली, ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल फैमिली है, ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ ऑन स्क्रीन फैमिली है। सो या वो बॉन्ड तो बहुत अच्छी, एंड इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम करके जो बहुत ज़्यादा यू नो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, जो बहुत बहुत बड़े एक्टर्स हैं उनके साथ काम करके आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल एंड सो हैप्पी राइट नाउ कि हाँ यार आई हैव डन समथिंग नाउ। इज दिस योर बैक टू बैक प्रोजेक्ट विद आर एस ओ पी, हाउ वाज योर एसोसिएशन विद हिम एंड मम्मी से क्या रिस्पॉन्स आया, स्पेशली मम्मी के लिए ये रोल है तो मम्मी से किस तरह का रिस्पॉन्स आया? वेल आर एस ओ पी के साथ येस इट्स लाइक माई थर्ड फिल्म एंड आई वुड लव टू डू मोर फिल्म विद आर एस ओ पी, बिकॉज रॉनी सर के साथ फिल्म करके हमेशा इट्स जस्ट अ प्लेजर एंड इट्स अमेजिंग टू ऑलवेज वर्क विद हिम, सो आई वुड ऑलवेज लव टू वर्क विद हिम। एंड मोम का रिएक्शन टू दिस मूवी इट वॉज अमेजिंग, बिकॉज प्रीमियर पे थे, इंटरवल ही हुआ था एंड शी इज़ लाइक आई ऑलरेडी लव दिस मूवी, देखना हिट होने वाली है एंड I did mark her words and yes, hit her गई। बिल्कुल रिवा, आपके काम को पहले से ही काफ़ी लोग सराहते हैं और आगे भी सराहते रहेंगे, बीच में काफ़ी ट्रोलिंग हो रही थी आपकी एज को लेकर, आप उसको किस तरह से देख रही थी जो छतरी वाली के आने के बाद बिल्कुल बदल गई? वेल उसको ना इनफैक्ट मैं ना ज़्यादा पॉजिटिविटी पर फोकस करती हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज यू नो लुक ऑन द ब्राइटर साइड, क्योंकि जब मुझे इतना प्यार मिल रहा है तो व्हाई शुड आई फोकस ऑन द नेगेटिव पॉइंट। सो जितना मुझे प्यार मिल रहा है इट जस्ट हैज़ ओवर पावर्ड एवरीथिंग, सो आई डिड नॉट थिंक अबाउट इट दैट मच। थैंक यू सो मच रिवा। थैंक यू। रकुल जी मैम थोड़ा पीछे, मैम पीछे थोड़ा, या थैंक यू। यहाँ पे सर, मैम यहाँ पे देखिए सर, बेटा वन मोर लेफ्ट साइड हाँ, थोड़ी थैंक यू सर, पीछे एक बार नीचे करना।
सर यहाँ पे निकालो क्या सर, रुके ना सर, सर थैंक यू रकुल जी, रकुल जी वेट, वाह वाह मैम सेंटर लुक, सर लुक योर लेफ्ट, आई कैन राइट मैम, सर सर वन मोर मैम, सर जी यहां पे देखिए ना मैम, गाइस दिस साइड, गाइस हियर, गाइस हियर, वीडियो बनना था सर, अच्छा बेटा जय हो गाइस, थैंक यू सर।